Welcome to ABCL. Anybody can learn. Hello kids, I am your YouTube वाली मैम. तो बच्चों, आज इस रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है और रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या इतिहास है. तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने के पीछे क्या इतिहास है. एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देवी नामक बुआ थी, जिन्होंने शिशुपाल नामक एक कुरूप बालक को जन्म दिया. शिशुपाल की कुरूपता को देखकर उसके माता पिता उसे कहीं छोड़कर आना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि शिशुपाल बहुत ही वीर बालक है और एक महान व्यक्ति के छूने से वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन उसी व्यक्ति के हाथों उसका वध होगा. यह सुन शिशुपाल के माता पिता काफी चिंतित हो गए. एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ श्रुति देवी के घर आए, तो श्रुति देवी ने शिशुपाल को जैसे ही श्री कृष्ण की गोद में रखा, तो शिशुपाल का कुरूप चेहरा बदलकर एक सुंदर बालक के रूप में परिवर्तित हो गया. यह परिवर्तन देख श्रुति देवी काफी प्रसन्न हुई, लेकिन मन ही मन विचलित हो उठी, यह सोचकर कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल का वध निश्चित है. इस पर श्रुति देवी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि शिशुपाल चाहे जितनी भी गलतियां करे, आप उसे क्षमा कर देना. इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से कहा कि मैं शिशुपाल को तब तक ही माफ करूंगा जब तक वह अपनी 100 गलतियों की सीमा पार न कर ले. जिस दिन उसने 100 से ज्यादा गलतियां कर ली, मैं उसे अवश्य सजा दूंगा. जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा होता गया, वह बहुत ही वीर योद्धा बन गया और देखते ही देखते वह चेदी नामक राज्य का राजा बन गया. शिशुपाल बहुत ही क्रूर राजा था. वह अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता और हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करता रहता था. एक बार तो राज्यसभा में ही शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कह दिया और इसी के साथ ही उसने अपनी 100 गलतियों की सीमा भी पार कर ली. इस पर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया. इसी समय सुदर्शन चक्र चलाते हुए उनकी उंगली कट गई और उससे खून बहने लगा. यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया. इस पर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी रक्षा की. और उन्होंने ये कहते हुए द्रौपदी को वचन दिया कि वे हमेशा द्रौपदी के कठिन समय में उसकी रक्षा करेंगे. कुछ समय बाद जब कौरवों के द्वारा द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना वचन निभाते हुए द्रौपदी की लाज बचाई थी. तो बच्चों, इसी दिन से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. तो बच्चों, क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन कब, क्यों और कैसे मनाते हैं? तो चलिए जानते हैं. रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा यानी कि फुल मून डे को मनाया जाता है. ये मोस्टली अगस्त के महीने में आता है. इसे भाई बहन का त्योहार भी कहा जाता है. इस दिन भाई बहन सुबह उठकर नहा धोकर नई ड्रेस पहनकर रेडी हो जाते हैं और बहनें पूजा की थाली सजाकर अपने भाई की आरती करती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और साथ ही अपने भाई की खुशियों के लिए प्रे करती हैं.
और भाई अपनी बहन की हर सुख दुख में रक्षा करने का प्रॉमिस करते हैं और अपनी बहन को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी देते हैं। तो ऐसे ही रक्षाबंधन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों चलो देखते हैं कि रक्षाबंधन में आप और क्या क्या नई चीज कर सकते हो। तो बच्चों आप भी रक्षाबंधन में अपने भाई बहन के साथ मिलकर खूब मस्ती करिए। आप उनके साथ बैठकर राखी स्पेशल मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं और कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन अपने भाई बहन के साथ खूब एंजॉय करिए और ऐसे ही हमेशा प्यार से धूमधाम से राखी मनाते रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन।